पेट्रोल और डीजल को लेकर पीएम मोदी ने दी ये तीन बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, यदि आपके घर में कार या बाइक है और यदि आप पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास से नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल को लेकर तीन बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है, जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक दश। इस योजना के तहत पेट्रोल और डीजल की मुश्किलें हो जाएगी खत्म। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय से ये खबर निकलकर आ रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है और सरकार इस फंड का अधिकतम इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी के स्थानीय को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहती है, जो कि ऐसे वाहनों के लिए बेहद जरूरी होगा और इससे प्रदूषण कम होगा, रोजगार बढ़ेगे और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। 2 रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगाने के लिए ये होगा नया फॉर्मूला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर हाल ही में महंगे होते पेट्रोल डीजल और गिरते रुपए को लेकर समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में जो ये बैठक हुई, इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई है कि आखिर रुपए की गिरावट पर किस तरह से ब्रेक लगाया जाए और यदि रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकदम गिरावट देखने को मिलेगी। 3 दश, पेट्रोल और डीजल की कारें 2030 तक होगी बंद। दोस्तों, 2030 तक पेट्रोल और डीजल की कारें इलेक्ट्रिक कारों की जगह ले लेगी। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले 2025 में ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जीवाश्म इंजन से चलने वाली कारों को बंद करेंगे। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, तो पेट्रोल और डीजल आखिर सस्ता हो ही जाएगा।